हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात पंजाब कांग्रेस में जारी कलह की। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सोनिया गांधी और राहुल से मिले बगैर लौट गए। उनके इस तरह वापस जाने को नॉर्मल नहीं माना जा रहा। इस बीच बड़ी खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर के ओएसडी अंकित बंसल ने ट्वीट किया है कि यही आलाकमान था कि जिसकी वजह से 10 साल पंजाब में सत्ता से बाहर रही और कैप्टन ने ही इसे रिवाइव किया। राहुल गांधी लगातार पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को भी अब दिल्ली बुलाया गया है और कांग्रेस का हाथ उसी के साथ माना जाएगा जिसके साथ गांधी परिवार दिखेगा। पंजाब के कांग्रेस कान में अब फर्स्ट फैमिली का रोल दिलचस्प हो गया है। जमहूरियत की जंग है, डेमोक्रेसी का ड्रामा है, मगर जिन्हें लगता है पंजाब की लड़ाई क्रिकेटर बनाम कप्तान है, उन्हें समझना होगा कि रस्साकशी असली राजा बनाम कांग्रेस युवराज है। कैप्टन 3 दिन दिल्ली में रहे, पंजाब भवन से पार्लियामेंट गए, 3 मेंबर कमेटी से फिर मिले, अपनी शिकायत दर्ज कराई, सोनिया गांधी के संदेशवाहकों सलमान खुर्शीद और अंबिका सोनी से मिले और वापस पंजाब लौट गए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अब चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले ही उनका जो ये आप देख सकते हैं पूरा काफिला जो है ये हेलीपैड से बाहर निकला है और ये यहां से सीधा जो है वो अब मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेंगे। लगभग 2 दिन तक दिल्ली में जो है वो ये देख सकते हैं आपकी ये तस्वीरें जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे अगली गाड़ी पर बैठे हुए हैं और लगातार 2 दिन तक दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने जो पैनल था खड़गे पैनल उससे मुलाकात की, उसके अलावा अंबिका सोनी से मुलाकात की, सलमान खुर्शीद से मुलाकात की और जो ये तमाम जो विवाद चल रहा है इस समय पंजाब के अंदर सिद्धू बनाम कैप्टन का, तो उसको लेकर उन्होंने वहां पर अपनी बात रखी है और इस वक्त वो यहां पर चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पूरा कारवां जो है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का कारवां है जो अब यहां पर पहुंच चुके हैं। यानी कि अब जिस तरह से लगातार ये क्या लगाया जा रहा था कि कैप्टन के आने के बाद हो सकता है कि कल सिद्धू जो है वो भी दिल्ली पहुंचते हैं। अब टाइमिंग पर गौर कीजिए, क्रोनोलॉजी पर गौर कीजिए। राहुल गांधी के घर पंजाब के नेताओं का तांता लगा है। पंजाब के नेताओं से राहुल की मुलाकातें जारी हैं, मगर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से राहुल की मुलाकात नहीं हुई। इस पूरी खींचतान के एक अहम किरदार हैं पंजाब के प्रभारी हरीश रावत। कैप्टन और राहुल की मुलाकात न होने पर रावत ने जो सफाई दी, जरा सुनिए क्या ये आपके गले उतरती है। कैप्टन साहब 3 दिन तक दिल्ली में थे लेकिन राहुल गांधी सबसे मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं हुई? खड़े हो रहे हैं जहाँ जिस नेता को जहाँ जिससे मिलने की आवश्यकता होती है तो उस हिसाब से समय दिया जाता है। राहुल गांधी जी जो समय जो भी हमारे नेता को समय चाह रहे हैं उनको समय दे रहे हैं। लेटियन दिल्ली में बंगलों के बीच का फासला बड़ा नहीं है, मगर जब नेता एक बेस पर ना हो तो फासला अपने आप बढ़ जाता है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इसी 12 तुगलक लेन के बंगले पर पिछले 3 दिनों से पंजाब कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के राज्य में सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से, तमाम लोगों से पिछले 3 दिनों में मुलाकातें की हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन 3 दिनों के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी राजधानी दिल्ली में ही मौजूद थे। हालांकि उनकी पेशी 3 सदस्यीय पैनल के सामने जरूर हुई लेकिन राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात नहीं हुई। अब ऐसे में जब राहुल गांधी इस पूरे मसले को सुलझाने में खासा रुचि ले रहे हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी की मुलाकात नहीं होती है तो तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल होता है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अपॉइंटमेंट मांगा गया या फिर राहुल गांधी की तरफ से अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। ये तमाम सवाल जो हैं ये खड़े होते हैं। बहरहाल राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली में 3 दिनों के लिए हों, राहुल गांधी दूसरी ओर तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हों, लेकिन राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई मुलाकात ना हो, इसको सुनकर के थोड़ी हैरानी जरूर होती है। एक बार फिर कहानी को समझिए। कांग्रेस में नवजोत सिद्धू की एंट्री के पीछे गांधी परिवार है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं, इन दोनों को सोनिया गांधी का फ्री हैंड है। सूत्र बताते हैं कि सिद्धू को बड़ा रोल देने का दबाव राहुल गांधी की ओर से है। कैप्टन का अपना कद है और पंजाब में वो अपनी वाली करते हैं।
नवजोत सिद्धू पहले तो डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, अब वो पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। सिद्धू खुद को कैप्टन के उत्तराधिकारी की तरह देख रहे हैं। दरअसल पूरी पंजाब कांग्रेस इस कॉन्फिडेंस में है कि पंजाब में उसकी वापसी हो रही है। अकाली दल पहले गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी कांड और अब किसान कानून के मसले पर अकेला पड़ गया है। आम आदमी पार्टी बीते 5 साल में मजबूत होने की बजाय बिखरी ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने जो इंटरनल सर्वे कराया है उसमें वो तकरीबन 80 सीटों के साथ वापसी कर रही है, जबकि पिछली बार उसे 77 सीटें ही मिली थी। अब जब सत्ता में वापसी के पूरे इम्कान हैं, हर आदमी को अपनी हिस्सेदारी चाहिए। कैप्टन के धुर विरोधी कहे जाने वाले पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। नहीं, इस बात का तो मुझे पता नहीं कि उनको क्यों बुलाया गया है, मगर देखो जब पार्टी हाईकमांड बुलाती है, कैप्टन साहब कांग्रेस के सीएम हैं, किसी और पार्टी के तो नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको आना ही होगा। नो, राहुल गांधी नहीं मिले या सोनिया गांधी नहीं मिले या की रहे तो नो। मैं मेरे बारे देखो पंकज जी, ये बारे में मुझे जानकारी है नहीं कि कैप्टन साहब क्यों नहीं मिले या क्यों नहीं आए। इस मैं तो अपनी जानकारी दे सकना कि बहुत सारे विधायक ते एमएलए ते मिनिस्टर्स मिल चुके हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।